Let's do question number 32 of exercise 4C, that is quadratic equation. Question number 32 is, find the roots of the following equations if they exist by applying the quadratic formula. तो क्वेश्चन नंबर 32 है 4x square plus 4bx minus a square minus b square equals to 0. चलिए करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं. सबसे पहले 32 क्वेश्चन दे रखा है हमारा, 4x square plus 4bx minus a square minus b square equals to 0. तो ए बी सी निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए. ए हुआ एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशियंट, बी हुआ हमारा 4b एक्स के साथ का कॉफिशियंट, और सी हुआ हमारी कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू ये पूरी है तो हमने पूरी लिख ली, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके. अब हम डी निकाल लेंगे, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी क्या है हमारा, 4b का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारा 4 और सी है हमने ब्रैकेट ओपन करने वाली बात वाली वैल्यू लिख ली. तो अब ये क्या आया, 4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, दैट इज 4 4 16 बी स्क्वायर. और ये कितना आया देखिए, माइनस पहले 4 की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यह है 4 4 16 माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 16 बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 बी स्क्वायर. ये देखिए ये आया माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस. अब ये बी स्क्वायर वाली वैल्यू कट जाएगी क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है. तो ये कितना आ गया, 16 ए स्क्वायर. अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा है हमारा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा है हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो b कितना है हमारा, b है हमारा 4b प्लस d कितना है हमारा 16 a स्क्वायर और a है हमारा 4. तो अब क्या आ गया ये, माइनस 4b प्लस 16 a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 16 a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 4 16 a इंटू a, दो दो के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख लिया तो 4a आ गया अपॉन 4 2 8. अब हमें दिख रहा है 4 कॉमन, माइनस b प्लस a अपॉन 8. तो 4 1 4 4 2 8, तो ये कितना आ गया, a पहले लिख रही हूँ प्लस का, b बाद में लिख रही हूँ अपॉन 2. इसी तरीके से बीटा देखते हैं, माइनस 4b माइनस रूट 16 ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4. तो ये कितना आ गया, माइनस 4b माइनस 4a अपॉन 2 4 8. तो 4 माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस बाहर ले लेते हैं. तो b प्लस a अपॉन 8, तो 4 1 4 4 2 8. तो ये कितना आ गया, दैट इज माइनस का ए प्लस बी कहो या बी प्लस ए कहो, बात एक ही है, अपॉन 2 इज द आंसर. तो एक रूट हो गया ए माइनस बी अपॉन 2, एक रूट हो गया माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 33 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0. लेट्स डू 33 क्वेश्चन. 33 क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0. अब ए बी सी निकाल लेते हैं. ए हुआ एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशियंट, बी हुआ माइनस का 2b माइनस 1,
एक्स के साथ का कॉफिशियंट, दैट मीन्स ये वाला साइन भी इंक्लूड होगा और ये ब्रैकेट. अब सी क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20. अब हम डी निकालेंगे, तो डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आया हमारा माइनस का 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20. तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया. अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 वन ज 4 बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20. अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के साथ माइनस का साइन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 माइनस 4b स्क्वायर. अब ये ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, अब माइनस माइनस प्लस 4b और माइनस माइनस प्लस 22 इंटू 4 दैट इज 80. अब ओपन कर लेते हैं ये वाला ब्रैकेट, तो ये देखिए 2 2's of 4b square प्लस 1 माइनस 2 2's of 4b माइनस 4b square प्लस 4b प्लस 80. ये इसको खोल के आया, ये इसे ओपन करके आया ब्रैकेट, इन तीनों को ब्रैकेट ओपन करके माइनस 4b और आगे की वैल्यूज एज इट इज. अब देखिए ये 4b स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का है, इसी तरीके से 4b कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है. अब 80 प्लस 1 इज 81 आ गया. अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं. अब अल्फा होता था हमारा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा होता था हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो बी कितना है हमारा, दैट इज माइनस का 2b माइनस 1, तो माइनस का 2b माइनस 1 और रूट डी दे रखा है 81 अपॉन 2. ए कितना है हमारा 1, तो 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 2b माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो 2b माइनस 1 प्लस 81 हमें पता है रूट 9 का होता है, तो 9 एज इट इज लिख दिया अपॉन 2. ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, तो 2b माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2. 9 और 1 ऑपोजिट साइन के हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा. अब 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचा b प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया b प्लस 4. इसी तरीके से बीटा निकाल लेंगे, तो बीटा क्या हुआ माइनस 2b माइनस 1 माइनस रूट डी कितना है 81 अपॉन 2a. अब इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2b माइनस 1 और रूट 81 किसका रूट है 9 का अपॉन 2. ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो 2b माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये आ गया 2b माइनस 10, दोनों माइनस की तो आपस में प्लस हो गए और साइन माइनस का लग गया अपॉन 2, तो 2 कॉमन आया तो ये आया b माइनस 5 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया b माइनस 5. तो एक रूट आया b प्लस 4 और एक रूट आया b माइनस 5 इज द आंसर.